हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रेयस स्कीम के बारे में। श्रेयस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। गलती से भी हायर एजुकेशन को देख के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मत मार लीजिएगा, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। जो टेन्योर है इस स्कीम का वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। फाइनेंस कमीशन का जो डेडलाइन है ना, तब तक ये स्कीम चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले कितना है? 1850 करोड़। देखो इसको याद कैसे रखोगे, श्रेयस श्रेयस, देखो श्रेयस अय्यर करके एक क्रिकेटर है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में, है कि नहीं है, ठीक है। एक इमेजिन करो कि श्रेयस अय्यर ने 18 साल की उम्र में ही हाफ सेंचुरी लगा दी, 18 साल की उम्र में ही अर्धशतक मार दिया, ठीक है। 18 साल 50, ठीक है। क्या हमने स्टोरी बनाई है? श्रेयस अय्यर ने 18 साल की उम्र में 50 रन ठोक दिया, ठीक है। 1850 याद हो गया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस स्कीम के चार कंपोनेंट हैं, ठीक है। इस स्कीम के चार कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट फ्री कोचिंग स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ओबीसी, दूसरा कंपोनेंट नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तीसरा कंपोनेंट टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और चौथा कंपोनेंट नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखो, फ्री कोचिंग स्कीम और नेशनल ओवरसीज स्कीम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये दोनों स्कीम मिल जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम दो स्कीम बचे हुए दो स्कीम डिस्कस करेंगे। देखो अब टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट में ना, जो 12th क्लास पास कर जाता है, जो आप अगर आप इंजीनियरिंग या फिर किसी भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको टॉप क्लास एजुकेशन में इसके अंडर आपको आप एलिजिबल हो। इसमें होगा क्या? इसमें अगर आपके आपके पेरेंट्स का इनकम जो है वो 8 लाख रुपये पर एनम तक है, उससे कम, ठीक है, 8 लाख तक अगर इनकम है आपके फैमिली का, तो आपको इस स्कीम के अंडर स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल जो कैप होगा ना स्कॉलरशिप का 2021-22 लेकर 2025-26 तक, वो 21,500 होगा। इसका मतलब ये है कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 21,500 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। याद कैसे रखोगे? 2021-21 21,500, ठीक है। 2021 से 21,500 के आसपास याद कर लेना, ठीक है। टोटल स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो 21,500 बच्चों को मिलेगा इस टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर, ठीक है। स्कीम में इस स्कॉलरशिप में क्या क्या कम क्या 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 रियायती मिलेगी आपको? जितना ट्यूशन फी है वो सारे माफ़ होंगे और जो भी नॉन रिफंडेबल चार्जेस है वो सारे गवर्नमेंट पे करेगी अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एडमिशन ले रहे हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो जो मैक्सिमम कैप है ना वो 2 लाख रुपये पर एनम का है। अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन एडमिशन ले रहे हो, गवर्नमेंट एजुकेशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो जितना भी ट्यूशन फी है वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी, जितना भी नॉन रिफंडेबल चार्ज है वो गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो 2 लाख पर एनम गवर्नमेंट ने कैप लगाया रखा हुआ है, ठीक है। साथ में आपको एकेडमिक अलाउंस मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 86,000 का अलाउंस मिलेगा और रेस्ट ऑफ द ईयर में आपको 41,000 का अलाउंस मिलेगा। याद रखना 86,000 और 41,000, ठीक है। और लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर शेड्यूल का, इसमें क्या है? अगर आप एमफिल या पीएचडी परस्यू कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एमफिल को गवर्नमेंट ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो और अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो तो नेशनल फेलोशिप स्कीम के अंडर आपको रियायतें मिल सकती हैं। अब इसमें हो गया, हर एक साल में ना 2000 स्लॉट अवेलेबल होंगे, ठीक है, जिसमें से 500 स्लॉट साइंस के बच्चों के लिए रिजर्व होंगे और 1500 ह्यूमैनिटी वालों के लिए रिजर्व होंगे, ठीक है। सौ में आ गया और कुछ स्कीम में नहीं है। पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए ठीक ठीक है फिर, थैंक यू।